सो गाइज इज द नेक्स्ट मॉर्निंग नाउ. कल बेस्ट बाय से आने के बाद हमारा प्लान तो था ही जो आसपास का एरिया है हॉलीवुड वाला जहां हम स्टे कर रहे हैं ये एक्सप्लोर करने का, बट जेट लैग की वजह से इतनी ज़्यादा तेज़ नींद आ रही थी कि हमने बहुत कोशिश करी कि घूम के आते हैं बट बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई तो हम सो ही गए थे. एंड आज हम मतलब सुबह 4:30 बजे ही उठ गए. डेली यही हो रहा है हमारे साथ, सुबह 4:30 बजे हम उठ जाते हैं. तो हमने सोचा है कि इसका फ़ायदा उठाते हैं एंड जो सबसे बेस्ट लोकेशंस हैं जो सनराइज़ के टाइम पर आप विज़िट कर सकते हो LA में वो घूम के आते हैं. तो अभी हमने डिसाइड किया है कि सबसे पहले जाते हैं बेवरली हिल्स. बहुत ही फेमस एरिया है यहाँ लॉस एंजलिस में, आप लोगों को शायद पता भी होगा. बहुत ज़्यादा अमीर मतलब लोग रहते हैं, बड़े बड़े मैंशंस हैं. एंड वहाँ बेवरली हिल्स में एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट है जहाँ मतलब लाइन में ऐसे पाम ट्रीज़ हैं, आप बहुत ही ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ ले सकते हो वहाँ पे. तो सबसे पहले वहाँ चलते हैं एंड देन हमारा प्लान है ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी जाने का. वो भी एक बहुत ही फेमस स्पॉट है यहाँ पर, वहाँ से आप बहुत अच्छे व्यूज़ देख सकते हो हॉलीवुड साइन के. तो हमने सोचा ये दो चीज़ें देख के आते हैं एंड आप लोगों को भी दिखाता हूँ ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी एंड बेवरली हिल्स. हाउ इज़ योर जेट लैग? I'm a zombie. Yeah? Please, let's get some coffee. I can't drink coffee, but you can. Yeah. I need it really. It's my first jet lag in my entire life and I'm not enjoying. And you thought you will not have it. Yeah, I think I made a huge mistake because yesterday I took a nap during the day and if I didn't, I wouldn't have it today. Yeah. But we were so tired after coming back from Universal. तो जिस जगह हमें जाना है उसका नाम है कैरमेलिता एवेन्यू बेवरली हिल्स. यहाँ से है 13 मिनट की ड्राइव क्योंकि हम स्टे कर रहे हैं वेस्ट हॉलीवुड में एंड बेवरली हिल्स सिर्फ 10 मिनट दूर है यहाँ से. तो US में मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी ड्राइव करने में क्योंकि जैसे ही अभी रेड लाइट आ गए अगर ये ग्रीन भी हो जाएगी एंड मुझे लेफ्ट जाना है तो मुझे पहले उनका वेट करना है सीधे आने वालों का. जब वो क्रॉस करेंगे उसके बाद ही मैं लेफ्ट जा सकता हूँ. बट यूरोप में ऐसा नहीं होता. यूरोप में अगर ग्रीन लाइट है तो आप मतलब खुला जाओ, कोई नहीं आएगा आपकी लेन में. ये है मेन रोड हॉलीवुड की जो पूरी वॉक ऑफ फेम है. राइट और लेफ्ट में आप ये सारे स्टार देख सकते हो. ये मैं आपको बाद में अच्छी तरह दिखाऊंगा जब हम वापस आएंगे. बहुत ही पास है हमारे होटल से, ये आई थिंक 5 मिनट की वॉक पे है पूरा ये एरिया हॉलीवुड का. बिल्कुल बस अभी अभी हमने एंटर किया है बेवरली हिल्स एंड अब आप देखो सारे मैंशन स्टार्ट हो गए हैं. मतलब ये मल्टी मिलियन डॉलर मैंशन है यहाँ पे. तो गाइज ये है यहाँ बेवरली हिल्स का एक क्लासिक नेबरहुड. दोनों साइड इतने बड़े बड़े महंगे महंगे घर हैं एंड ये सारे पाम ट्रीज. इतना साफ सुथरा लग्जरी एरिया है, मतलब जो सबसे अमीर लोग हैं लॉस एंजलिस के वो यहाँ रहते हैं. तो हमने सोचा एक बार सुबह सुबह आके देख के जाते हैं क्योंकि दिन में तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे. तो आप सुबह सुबह आके बहुत अच्छी पिक्चर्स ले सकते हो. बट एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखनी है कि आप किसी को भी डिस्टर्ब ना करो क्योंकि ये एक प्राइवेट नेबरहुड है. ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी जाने से पहले एक बार स्टारबक्स रुक के कॉफ़ी लिया. योर फर्स्ट अमेरिकन आइस कॉफी, टेल मी हाउ इट इज. इट्स वेरी नाइस बट इट्स विद ओट मिल्क. आई एम प्रीटी श्योर इट्स विद ओट मिल्क एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज़ यू जस्ट ऑर्डर्ड आइस लैटे, राइट? या एंड दे गिव अस ओट मिल्क. आई थिंक इट्स अ कैलिफोर्निया थिंग. दे ऑलवेज यूज प्लांट बेस्ड मिल्क हियर. इट्स गुड, इट्स नाइस. तो ग्रिफिथ के लिए ऊपर तक जाना पड़ता है ऑब्जर्वेटरी के लिए. And Veronica, do you know that many times in these hills you have mountain lions and coyotes? What is a mountain lion? You don't know what a mountain lion is? No. They're very scary. तो गाड़ी यहाँ ऑब्जर्वेटरी की पार्किंग में लगा दिया
एंड यहाँ से थोड़ा सा हाइक करके ऊपर जाना है। यहाँ से आप 3-4 हाइक कर सकते हो, एक दो तो बिल्कुल वो है जो मतलब आपको हॉलीवुड साइन के बिल्कुल पास लेके जाएंगी जहाँ से सबसे बेस्ट व्यू आता है। अभी उसका तो टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये जो ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी है ये दो चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, एक तो यहाँ से जो डाउनटाउन लॉस एंजलिस है पूरे एलए के बहुत ही अच्छे व्यूज़ है, एंड दूसरा हॉलीवुड साइन। इवन दो यहाँ ऑब्जर्वेटरी से इतना पास नहीं दिखता हॉलीवुड साइन, एंड मोस्टली लोग यहाँ पे मॉर्निंग रन या फिर जॉगिंग वगैरह के लिए आते हैं, सब मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं आसपास क्योंकि व्यू इतना अच्छा है यार यहाँ से। एंड वेरोनिका, डू यू नो व्हाई आई नो सो मच अबाउट दिस ऑब्जर्वेटरी? Why? In GTA 5, I was coming here all the time for missions. Because it looks exactly the same in GTA 5. Mm-hmm. Everything, like whole Los Angeles. आज हमारा एक बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस प्लान्ड है मैलिबू कैलिफोर्निया में। बट मैलिबू जाने से पहले अभी हम पहले ड्राइव करके जा रहे हैं सेंटा मोनिका पियर। बहुत ही एक फेमस बीच है यहाँ लॉस एंजलिस में। आई थिंक अगर आप GTA 5 खेलते हो या फिर आपने कभी खेली है तो आपको पता होगा सेंटा मोनिका के बारे में। उसमें भी सबसे फेमस बीच वही था। आई थिंक गेम की स्टार्ट ही वहीं से होती है, एंड वहाँ से फिर हमें हमारा गाइड पिकअप करेगा। फिर हमें 40 मिनट ड्राइव करके जाना है मैलिबू तक, क्योंकि यहाँ कैलिफोर्निया भी बहुत फेमस है अपनी वाइन के लिए। दे हैव नापा वैली जो यहाँ की वाइन कंट्री है। तो आज आप लोगों के साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ वाइन टेस्टिंग का, और भी देखते हैं, हमें खुद नहीं पता कि पूरा क्या एक्सपेक्ट करना है वहाँ से। तो गाड़ी लगाइए यहाँ एक पब्लिक पार्किंग में। यहाँ पर अराउंड $3.50 पर आर की पार्किंग है, तो इतनी ज़्यादा नहीं है, मुझे लगा था इससे ज़्यादा महंगी होगी। तो यहाँ वाइन टेस्टिंग के लिए पहुँच गए हैं। एक्चुअली हमारा जो गाइड है वो हमें बता रहा था यहाँ ये जो मैलिबू में है ये बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है वाइन टेस्टिंग, क्योंकि इससे पहले जो सबसे फेमस लोकेशन है वाइन टेस्टिंग के लिए कैलिफोर्निया में वो नापा वैली है नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को के पास। बट यहाँ अभी स्टार्ट हुआ है थोड़े साल पहले ही, तो देखते हैं कि यहाँ की वाइन कैसी है। इवन दो मैं इतना बड़ा कोई जज नहीं हूँ, मुझे कोई खास डिफरेंस पता नहीं वाइन में। तो आज हम 5 टाइप की वाइन ट्राई करेंगे, एंड दे विल ब्रिंग फ्रॉम लाइट वाइन टू डार्क वाइन। तो सबसे पहले ये सबसे लाइट वाइन लाए हैं, ये दिस इज ड्राई वाइट वाइन। Oh, it's very nice. Yeah, she said that they will bring from light to dark, so this is the lightest. Yeah, it is very light, very refreshing. ये हमारी तीसरी वाइन, ये है यहाँ की रोजे। अभी तक इससे पहले हमने 2 ट्राई करी हैं, बट सबसे अच्छी अभी तक मुझे यही वाली लगी। काफ़ी मतलब फ्रूटी फ्लेवर है इसका। एंड लंच के लिए इन्होंने हमें ये मेन्यू दिया है पूरा। तो वाइट वाइन सारी ट्राई कर ली है, एंड अब टाइम है रेड वाइन ट्राई करने का। वी हैव 2 डिफरेंट काइंड ऑफ रेड वाइन। Where the streets are paved with gold and no one ever gets old. And ye jo Malibu city hai ye sabse zyada famous hai apne celebrity houses ke liye, matlab yahan se zyada celebrity pure US mein kahin nahi rehte, to uske liye sabse zyada famous hai yahan par. Aapko matlab bade bade beach mansions milenge. Upon the silver screen the happy faces and a sign upon a hill the wine is flowing. तो वाइन टेस्टिंग के बाद हम आए हैं थोड़ी देर यहाँ डूम पॉइंट। एक बहुत ही फेमस व्यू पॉइंट है यहाँ मैलिबू में। लेफ्ट में वो पूरा मैलिबू बीच है, एंड इवन दो आज इतनी ज़्यादा गर्मी है बट यहाँ जो सी ब्रीज चल रही है उससे बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा। एंड इतने सारे सेलिब्रिटी हाउसेज हैं यहाँ पे, मतलब हमारा गाइड बता रहा था कि हम किस किस के घर क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े हॉलीवुड एक्टर्स। एंड मैलिबू बहुत ज़्यादा फेमस है सर्फिंग के लिए, तो वहाँ पर इतने सारे लोग सर्फिंग कर रहे हैं। जो हमारे गाइड हैं वो हमें एक बार यहाँ लेके आए हैं। ये है एक हिंदू टेंपल मैलिबू में। किसने सोचा था कि यहाँ मैलिबू में एक अपना हिंदू टेंपल मिलेगा।
वाइन टेस्टिंग वगैरह करके वापस आ गए हैं एंड अब जा रहे हैं हम वापस अपने होटल. बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ देखने को मिला. तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आप यहाँ एलए आओ तो मैलिबू ज़रूर विज़िट करना. मुझे पता नहीं था बट इट्स अ वेरी वेरी नाइस प्लेस. एंड बाय द वे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, मतलब यार जैसे ही 4:30 बजते हैं दिन में इतनी ज़्यादा नींद आने लग जाती है जेट लैग की वजह से. बट आज अगर हम फिर से दिन में सो गए तो रात को वही 3-4 बजे उठ जाएंगे. तो कोशिश तो यही है कि अब वापस जाके थोड़ी देर बस रेस्ट करेंगे, सोएंगे नहीं, एंड देन जो हॉलीवुड बुलेवार्ड वाला एरिया है वो घूमने जाएंगे. हम हॉलीवुड में रह रहे हैं पिछले 3 दिन से और हॉलीवुड बुलेवार्ड ही नहीं देखा जो मेन वॉक ऑफ फेम है. तो अगर वहाँ जाएंगे तो वो भी आपको दिखाता हूँ पूरा एरिया. तो बस अब होटल में आके गाड़ी वाले को दिया है एंड अब जा रहे हैं फाइनली हॉलीवुड बुलेवार्ड एक्सप्लोर करने. तो यहाँ से ये वॉक ऑफ फेम स्टार्ट है, बट ये मेन सेलिब्रिटीज़ के नाम नहीं है. जो मेन सारे सबसे इम्पोर्टेंट सेलिब्रिटीज़ हैं वो आगे जाके हैं मेन बुलेवार्ड पे. एंड यार एक चीज़ मैंने नोटिस करी जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आया था हॉलीवुड बुलेवार्ड पे, अगर मैं उस टाइम से कंपेयर करूँ सिर्फ 4-5 साल पहले से, तो अब एलए इतना ज़्यादा गंदा हो गया यार, हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है. ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी इस बार. एंड 4-5 साल पहले बिल्कुल चमकता हुआ साफ़ था. तो ये एलए थोड़ा सफ़र कर रहा है इस चीज़ से मैं कहूँगा. बहुत ज़्यादा होमलेस लोग, बहुत ज़्यादा गंदगी, ये सब आपको देखने को मिलेगा लॉस एंजलिस में, इन एरियाज़ में स्पेशली जो हॉलीवुड वाले एरियाज़ हैं. अगर आप थोड़ा दूर जाओगे यहाँ से सेंटा मोनिका की साइड तो वो बहुत साफ़ सुथरे और अच्छे हैं स्टे करने के लिए, इवन दो ये इतना महंगा एरिया है. एंड यहाँ पर ऐसी ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये आप रेंट कर सकते हो बैट मोबाइल जैसी. एंड आप ऐसी ये बस भी ले सकते हो साइट सीइंग के लिए. हर जगह चल रही है ऐसी ये बस हॉलीवुड की. एंड ऐसी ये हो बसेस भी बहुत फेमस हैं, हॉप ऑन हॉप ऑफ, पूरे एलए में आपको हर जगह लेके जाती हैं ये बेवरली हिल्स यहाँ पर. तो अब थोड़े बहुत फेमस नेम आने चालू हुए हैं जो सबसे मेन एरिया है उसके आगे. एंड आप ये देखो यहाँ पर लोग ऐसे गाड़ियों से भी टी शर्ट सेल कर रहे हैं. एंड आप ये लैम्बोर्गिनी रेंट कर सकते हो $150 में एंड फरारी $70 में, 15-20 मिनट के लिए चलाने के लिए देते हैं, बट साथ में आपके बंदा जाएगा. एंड जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ एलए में बस को मेट्रो कहते हैं, जो इतना अजीब है. एंड ये एलए का फेमस चाइनीज़ थिएटर, मतलब सबसे पुराने थिएटर में से एक है यहाँ पे. एंड ये जो जितने भी सारे फेमस एक्टर हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं उनके सिग्नेचर हैंड प्रिंट और फुटप्रिंट्स हैं हर जगह. यहाँ आप अभी भी आके मूवी देख सकते हो एक प्रॉपर. एंड ये जो ये गेम खिला रहा है बंदा, यार ये बहुत बड़ा स्कैम है यहाँ पे. ये जितने ही बंदे खड़े हैं सारे इसके साथ ही है, तो कभी इसमें मत फंसना. ये जितने भी लोग खेल रहे हैं हर बार आप पैसे हारोगे ही अपने. ये जो आपने देखा अभी कि जो लड़की पैसे जीती है, ये सब इसी के साथ है, ताकि आप लोग जाके खेलो. तो कभी भी मत खेलना ये.